ओम नमो नारायण, ओम गुरुवे नमः। मैं महेश कुमार कुशवाहा उत्तराखंड से। आप ये देख रहे होंगे गिलोय है और बहुत से लोग इसे पूछ रहे हैं कैसे लगाना है, तो मैं बताऊंगा। गिलोय अमृत है, यानी अमृता है, कभी इसका सूखता नहीं है। और ये करीब जनवरी फरवरी का ये हमने यहाँ पे ला करके देखेंगे तो छत पे रखा हुआ फर्श पे जाके पूरी मई जून की गर्मी पड़ती रही और ये सूखा नहीं। अभी देखेंगे ये सब यहाँ पर हमारा सब सामान है, गैलरी में तो पड़ा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे ये फेंका गया हुआ है, रखा गया बोले या फेंका हुआ बोले, तो हमारे पास मतलब पेड़ काटा था किसी ने, तो उन्होंने बोला तो मैंने ला के रख दिया। आज मैं अभी आया कि इसको लगा देता हूँ जगह जगह काट के, तो देखिए ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ। ये कल ले आने से पहले लगा देनी चाहिए। देखिए पनपने लगा फर्श पे, इसीलिए इसे अमृता बोला गया। बारिश की कुछ बूंदें पड़ी हैं, अभी जुलाई का महीना चल रहा है, आज 3 जुलाई है, 3 जुलाई है, तो देखेंगे कि 2-3 दिन से हमारे यहाँ रिमझिम बारिश हो रही है, 1-2 बार हुई है, ज़्यादा तो नहीं हुई। तो ये अभी ये पनपने चालू हो गया, यानी पानी मिलते ही ये जिंदा हो गया और ये सूखता नहीं है, इसीलिए इसको अमृत बोलते हैं। और ये देखिए इसमें जड़ें निकल जाती हैं, ये देखेंगे तो ये जड़ अपने आप निकल गई पड़े पड़े। ये देखिए ये काट रखा, ये जड़ जमीन में चली जाती है, हो जाती है, और लोग इसको लगाते हैं तो नहीं होता है। वो कारण ये, अगर आप इसको मिट्टी में लगाएंगे, दबाएंगे, जैसे और कल में लगाते हैं और जड़े या टहनी लगाते हैं किसी चीज़ की, तो वो कल्ला दे देता है। लेकिन अगर इसको ज़मीन में लगाएंगे तो सूखने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसे पानी नीचे होता है। सिर्फ आप इसको पेड़ के नीचे छाया वाली जगह में रख दीजिए, हल्की धूप आती रहे, ये अपने आप तने में से इसके ये निकलेंगे, नए अंकुरण होगा और ये पौधे निकल जाते हैं, कल्ले निकल जाते हैं और ये तने का रूप ले लेंगे। और इसमें से जो इसका एंड सिरा है वहाँ से धागे निकलेंगे, यानी कि इसकी जड़ें निकलेंगी और वो फिर ज़मीन में चल जाएंगे और ये ऊपर चल जाएगा। देखेंगे देखिए देखिए यहाँ पे भी निकला और ये सूख चुका है, ये मई जून में निकला होगा इसकी जड़ काटने के बाद, जो इसमें स्टार्च बचा होता है, जो भोजन होता है, और ये सूखा नहीं। देखिए आपको बताऊँ, देखिए इसके ये देखिए मूलांकुर जो है ये देखिए बहुत नरम है, ये आगे धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, ज़मीन में घुस जाते हैं। और तना देखेंगे तो आपको लगेगा देखिए सूख चुका है, ये देखिए एकदम सूख चुका है, लेकिन फिर भी देखेंगे तो ये देखिए कल्ला यहाँ से देखिए नया पौधा बन रहा है। तो ये इस तरीके से गिलोय उगानी है, इसको ज़मीन में मिट्टी में ना दबाए, सिर्फ ज़मीन पर रख दे तो अपने आप इसकी जड़ें निकलेंगी, वो इसकी ज़मीन में चल जाएंगी और बाकी जो तने हैं ये निकलेगा। और पेड़ को पकड़ करके, अगर पेड़ नहीं है तो आप किसी झाड़ लकड़ या तार वगैरह बांध करके भी इसको कर सकते हैं। और मैंने एक फ़ोटो डाली थी फेसबुक में जिसने कि जो कि घर पे अपनी बालकनी में ऐसी लगा दिया नीचे और बालकनी पे चढ़ा दिया, तो बड़ा सुंदर इसके पत्ते भी दिखते हैं। आप पत्ते भी खाइए और तना भी खाइए और यूज करिए तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। देखिए सारे तने लगभग लगभग अब जैसी जैसी ये बरसात चालू हो रही है अब सभी उगने चालू हो जाएंगे। और ये देखिए सूखता नहीं, अमृता है और फरवरी का कटा हुआ है, वहाँ भी पड़ा होगा बहुत दिनों से और फिर हमारे यहाँ भी था। तो मेरा मकसद सिर्फ यहाँ दिखाना था कि गिलोय कैसे उगाए। अगर आप इसको बीज से उगाते हैं तो बढ़िया है, वो तो उगी जाएगा, नर्सरी में आपको मिल जाएगा। लेकिन तना भी सिर्फ इसका कहीं से आप झाड़ छोटा सा इसका 1-2 फुट का टुकड़ा ला करके रख देते हैं घर में तो वो भी हो जाएगा। और इसको मिट्टी में ना लगाएं, सिर्फ ज़मीन पर रख दें या अपने बरामदे में या घर में रख लें। जब उसमें पौधे निकलने लगे, जड़ निकलने लगे, तो ज़मीन के पास हल्की सी मिट्टी में उसको लिटा करके लगाइएगा, खड़े करके नहीं लगाना है, लिटा करके। लिटा करके मतलब कि जैसे ये है तो आपको इसको ऐसे या ऐसे नहीं लगाना है, बल्कि इसको ऐसे रख देना है ज़मीन में और ये जब तना निकल रहा है यहाँ से ये तना निकलने देना है। और जो इसकी जो ये एंड है, जो ये वाला एंड है, ये सिरा है, इस पे आप मिट्टी हल्का सा लगा सकते हैं जिससे यहाँ से जड़ें चल जाएंगी। जड़ें हमेशा देखिए जो इसका मूल साइड होगा, यानी कि पुराना मोटा साइड होगा जड़ की तरफ, तो जड़ की तरफ से ही जड़ निकलता है, ऊपर इसके तने निकलते हैं। जैसे मैं इसमें आपको दिखाऊँ तो ये जो बेल है देखिए ऐसे गई हुई है, ये तभी तना इस तरफ निकल जड़ निकला है, देखिए 2-3 जड़ें निकली है और ये ऊपर नहीं निकला है। तो इस तरीके से देखिए सिरे निकलेंगे, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है और इसको लगाइएगा। और आप लोग सभी लोग पूरे भारतवर्ष पूरे विश्व के लोग इसका लाभ उठाएँ और इसको जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सके लगाएँ। और अगर 5 फुट बेल लाते हैं तो उसमें 1-1 फुट के 5 टुकड़े कर लीजिएगा और अपना अपने भी लगाइए, पड़ोसी को भी दीजिए, पक्का 100% हो जाएगा, 5 में से 2 तो हो ही जाएंगे। अमृता तो अमर है, तो इसको सूखने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। जब ये देखिए सूख करके अभी एकदम ये सूख गया होगा, 10-15 दिन में आता पहले ना, तो मई जून में एकदम सूखा हुआ मिलता है, देख रहे होंगे सिकुड़ा हुआ है, तो एकदम सूखा हुआ था। लेकिन जैसे ही अब इसके बारिश की बूंदें पड़ी इस पर, हल्का फुल्का छींटा गया, तो देखिए फिर दोबारा होने लगा है। और मैं इसको अभी दिल्ली भी भेजने वाला हूँ 2-3 लोगों को इसके तने कि वहाँ पर लगाना है। और इस तरीके से आप लोग भी इसको लगाइए, प्रचार प्रसार करिएगा, क्योंकि इसका जितना दोहन हो रहा है, जितना खाया जा रहा है इसका, उससे बहुत ही कम मात्रा में लगाया जा रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा कि बहुत कीमती हो जाएगा और मिलेगा भी नहीं, दुर्लभ भी हो सकता है।
क्योंकि अभी तो जंगलों में सड़कों किनारे बहुत है, तो सभी कंपनियां कटवा दे रही हैं, सब मेडिसिन और औषधि बनाने के लिए लोग भी खूब काट काट के ला रहे हैं। जिसको 100 ग्राम चाहिए वो भी 1 किलो ले आता है क्योंकि फ्री में है, लेकिन आने वाले समय में इसका बहुत ही बुरा हाल होने वाला है, तो इसलिए इसको लगा के रखिएगा, आपके काम आएगा, आपके बच्चों का काम आएगा। तो इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट के माध्यम से अगर किसी को और अनुभव हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोगों ने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।